देखिए, थाना घोसपुर में पिछले कुछ दिनों में दो ट्रक लूट की वारदातें हुई थी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके थाना घोसपुर पुलिस द्वारा एवं क्राइम ब्रांच की पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। आज इन्हें परेड मैदान से मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जिंदगी जो ट्रक से खाद्य पदार्थ लदे रहते थे उनको अपना निशाना बनाते थे, और हाईवे पर जब वो निर्जन स्थान पर आ जाते थे और एक चारपहिया गाड़ी से उन्हें ओवरटेक करके और तमंचा दिखा करके इनको लूट लेते थे। जो खाद्य पदार्थ था उन्हें अन्य जनपदों में बेच करके जो खाली ट्रक बचता था उसे एक अन्य दोनों अलग अलग गैंग को ये लोग बेच देते थे, जिसमें आज हमें मौके से तीन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इस गैंग में अन्य करीब 5-6 और सदस्य हैं, जिनके बारे में तस्दीक कर लिया गया है और बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध भी प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या ये लूट की और कोई वारदात नहीं है, उनको बुला है कि अब तक कितनी लूट की वारदात नहीं है? जो हमारे मानसिक अभियुक्त हैं और इनका जो मेन गैंग का जो सरगना है टॉफी, ये थाना जनपद जौनपुर से ये पहले भी जेल जा चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने कई वारदातें की। जो जनपद प्रयागराज में अन्य किसी घटनाओं में अगर ये वांछित होंगे उसकी अभी छानबीन की जा रही है, और जल्द सभी लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।